हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं एगलेस लेमन टी केक, जिसको बनाने के लिए मैंने 2 टीस्पून घी लिया है। आप ऑयल या फिर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आधी कटोरी पाउडर शुगर ली है, 1 कटोरी मैदा लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लेमन जेस्ट लिया है, नींबू का छिलका है। ये नींबू का आपको सिर्फ येलो पार्ट ही लेना है, वाइट पार्ट नहीं लेना है, वो कड़वा होता है। ये येलो फूड कलर लिया है मैंने। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1.5 चम्मच लेमन जूस लिया है, 1 कप दूध लिया है। तो सबसे पहले हम बोल में 1 कप दूध डाल देंगे। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर है, उसमें ये 2 टीस्पून जो घी हमने लिया था उसको ऐड कर देंगे। इनको मिक्स कर लेंगे। दूध हमारा रूम टेम्परेचर पर है इसलिए घी उसमें मिक्स नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, जब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे तो ये मिक्स हो जाएंगे आपस में। अब 1/2 कटोरी पाउडर शुगर डाल देंगे। इनको भी मिक्स कर लेंगे। एक कप मैदा डाल देंगे इसमें। मैदा हमको आधा आधा करके डालना है, पूरा एक साथ नहीं डालना है, वरना गुठलियाँ पड़ जाएंगी आपके बैटर में। और मैदे को मैंने छान लिया था, आप भी छान कर यूज़ करना। और ये आधा जो हमने बचाया था इसको भी डाल देंगे पूरा, और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल देंगे। लेमन जेस्ट ऐड कर देंगे। लेमन जेस्ट आप ज़रूर डालिएगा, स्किप मत कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है केक में। अब लेमन जूस डाल देंगे और जो हमने येलो फूड कलर लिया था उसे भी डाल देंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे लेमन केक है, कड़वा होगा, खट्टा होगा या फिर लेमन की खुशबू काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस केक है, आप टी टाइम पर इसको खाकर एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही अच्छा बनता है ये। आप चॉकलेट और वनीला केक खाकर बोर हो ही चुके होंगे, तो ये यूनिक सा केक ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी फ्लेवर होता है इसका। और लेमन की खुशबू अभी से ही बहुत अच्छी आ रही है इसमें, ये बिल्कुल खट्टा या कड़वा नहीं लगेगा, बिल्कुल बैलेंस। हमने जितना मेजरमेंट लिया है उस हिसाब से आप बनाओगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका केक बनेगा। ये मैंने केक मोल्ड ले लिया है, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था, बटर पेपर को रख कर उसको भी ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब इस पर हम हमारे बैटर को डाल देंगे केक के। हम इसे अवन में बनाने वाले हैं, आप चाहे तो विदाउट अवन भी बना सकते हैं। मैंने आपको ब्राउनी फजी केक और मार्बल केक सिखाया है विदाउट अवन बनाना, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। इस केक को भी आप उस तरीके से बना सकते हो विदाउट अवन। थोड़ा टैप कर लीजिए ताकि एयर बबल्स निकल जाए। 180 टेम्परेचर पे हम इसको 30 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे।
तो ओवन में मैंने इसको रख दिया है। अब इसको हम बेक होने देते हैं 30 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए 30 मिनट्स हो चुके हैं। स्टिक डालकर चेक कर लेते हैं। केक हमारा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। इसको ठंडा होने रखते हैं साइड में। जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम लेमन ग्लेस रेडी कर लेते हैं। मैं इस पर लेमन ग्लेस करने वाली हूँ। 2 टीस्पून मैंने पाउडर शुगर ली है, उसमें 1/2 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, सिर्फ 1 टीस्पून ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। लेमन ग्लेस करने से हमारा केक बहुत ही टेस्टी लगता है, एक अलग सा यूनिक सा फ्लेवर आ जाता है उसमें। तो ये देखिए हमारा लेमन ग्लेस बनकर रेडी है बिल्कुल। केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसके किनारों पर हम नाइफ चला लेंगे। इसको टैप टैप कर लीजिए। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारा केक बहुत अच्छा बनकर रेडी हो चुका है। बटर पेपर को रिमूव कर देंगे। तो ये एगलेस लेमन टी केक हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। कितना स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। लेमन ग्लेस करने के लिए इसके ऊपर का जो पार्ट है मैं उसको कट करके फ्लैट कर लूँगी। आप करना चाहे तो कर रहे हैं, वरना एज इट इज़ भी आप लेमन ग्लेस कर सकते हैं उस पर। तो मैंने कट कर लिया था ऊपर का पार्ट, अब इस पर लेमन ग्लेस कर देंगे। ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ 3 टीस्पून ही करना है आपको। तो मैंने इसको लेमन से डेकोरेट कर लिया है। अब हम केक को कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, बहुत ही स्पॉन्जी और कॉटन सॉफ्ट केक हमारा बनकर रेडी हो चुका है और ये खाने में बहुत ही यम्मी और डिलीशियस होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना।